दोस्तों स्वागत है आपका शिखर क्लासेस में। और ये हिंदी की दूसरी वीडियो है, इसके अंतर्गत हम ब्रह्मचिह्नों को समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि ब्रह्मचिह्न क्या होते हैं और ब्रह्मचिह्न का अर्थ क्या होता है। ठहराव या रुकना किसी साहित्य छंद को पढ़ते समय हम निम्न चिन्हों का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे साहित्य या छंद सही समझ आए। चलिए पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम आपने देखा होगा, किसी वाक्य को जब हम ख़त्म करते हैं तो पीछे से जो एक विराम चिन्ह लगाते हैं उसको पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो इसके पीछे जो एक विराम चिन्ह लगा है इससे ये विराम चिन्ह होता है जो अधिकतर सेंटेंस के सबसे पीछे लगता है छंद के अंत में। जैसे एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। तो पहले में एक लगाया, दूसरे में दो चिन्ह लगाए हैं। तो इस तरह से ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का मतलब होता है पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय लगे, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय लगे। जैसे जमकर परिश्रम करो, देखिए यहाँ ये विराम लगा है, जमकर परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी। तो एक और, जैसे मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में वह कष्ट सहता रहा, वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे। तो ये यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से देखिए अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है छोटा, जहाँ पढ़ते समय क्षण भर के लिए रुकते हैं अल्प विराम, वहाँ अल्प विराम लगता है। देखिए अल्प विराम का प्रयोग किन्हीं, अल्प विराम का प्रयोग हिंदी में सबसे अधिक होता है, यानी हिंदी में सबसे अधिक अल्प विराम का ही प्रयोग होता है। जैसे वह रोज आता है खाना खाकर चला जाता है, वह रोज आता है खाना खाकर चला जाता है। और देखिए एक और एग्जांपल, दो से अधिक समान शब्द होने पर, जैसे यहाँ जैसे विराट कोहली, धोनी, तेंदुलकर लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। तो यहाँ देखो ये जो एक जो चिन्ह लगा है ये अल्प विराम का चिन्ह लगा है। आगे उपविराम। तो उपविराम में ये दो जो बिंदी सी लगी हैं उपविराम की होती हैं, इसका प्रयोग शीर्षकों में होता है। जैसे कामायनी, कामायनी अध्ययन है, तो कामायनी किसकी पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद की। प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक का प्रयोग आप सबने जानते हो कि प्रश्नवाचक शब्दों के पीछे लगता है वाक्यों के। तो वाक्य में क्या पहले आए या बीच में आए, या प्रश्न सूचक वाक्य में क्यों कब कैसे वाक्य के बीच में आते हैं, तब प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के पीछे लगता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो पीछे हमने ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। वे क्या करते हैं, तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसी तरह योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह में एक ये देखिए डैश होती है, और डैश इस तरह की डैश यह दो विपरीत शब्दों को जोड़ता है। अल्प विराम के बाद इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो देखो द्वंद्व समास, या द्वंद्व समास होता है वहाँ इसका प्रयोग होता है। समान अर्थ वाले शब्दों में, विलोम शब्दों में, इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रात दिन, और रात दिन के बीच में जो चिन्ह लगाए वो योजक चिन्ह लगाए। माता पिता, तो माता पिता देखो वैसे द्वंद्व समास भी है, इसमें योजक चिन्ह लगाए। साग पात, ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे छोटा सा आदमी, यहाँ दो जगह इसका प्रयोग हुआ है, तो इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इस तरह के शब्दों को गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह में देखिए ये जो कॉमा होते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इनको ही हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो इसमें जैसे किसी पुस्तक से कोई वाक्य ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, जैसे निराला छायावाद के क्रांतिकारी कवि थे,
तो यहाँ कॉमा है, दोनों तरफ कॉमा में बंद है ये। अब देखिए जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है ये, है ना, इधर से भी और इधर से भी। तो अब देखिए जैसे लेखक का उपनाम, जैसे पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का शीर्षक आदि, जैसे गीता का वचन है, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कर्म करो किंतु फल की इच्छा मत करो, ऐसे ही। अब आगे रेखा, रेखिका या निर्देशिका, तो जो डैश होती है उसको हम रेखा या निर्देशिका कहते हैं। तो इसका प्रयोग, जैसे इसका प्रयोग संकेत के लिए होता है, जैसे शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निर्थक। विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह देखो, ये विवरण चिन्ह है, तो किसी चीज़ का विवरण दिया जाता है, इससे किसी चीज़ का विवरण दिया जाता है। जैसे इस खंड का भावार्थ निम्नलिखित है, इस खंड का भावार्थ निम्नलिखित है, तो इस तरह से ये चिन्ह लगा दिया। आगे है त्रुटि पूरक, तो त्रुटि पूरक का मतलब है गलती। जैसे किसी सेंटेंस में लिखने पर कोई शब्द छूट जाता है, तो उसको ये वाला चिन्ह लगा के और उसको सही कर लेते हैं। जैसे प्रेमचंद का, तो यहाँ देखो गोदान छूट गया है पहले, प्रेमचंद का ग्राम जीवन की संजीव जहाँ की प्रस्तुत करता है, तो क्या गोदान, तो ये चिन्ह लगा के हमने गोदान लिख दिया है। आगे बात करते हैं संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक का मतलब है जब कोई शब्द हम संक्षेप में लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बीबीसी, देखो यहाँ ये चिन्ह लगे हैं संक्षेप में, तो इसका मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। जैसे डॉक्टर लिखा हमने, तो डॉक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे लोक निर्देशन, लोक निर्देशन का मतलब है जब कोई हम गद्यांश जब लिखते हैं तो उसको हमें जब शॉर्ट में लिखना होता है तो हम पहले के कुछ शब्दों को लिख लेते हैं और डॉट डॉट करके, जैसे इस तरह के डॉट डॉट करके, और बाद में लास्ट के कुछ शब्दों को लिखते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हमने यहाँ डॉट डॉट कर दिया है और जन्म सिद्ध अधिकार लिख दिया। तो इसी तरह से जब कोई गद्यांश लंबा हो तो उसको छोटी जगह में कैसे लिख सकते हैं, इन लोक निर्देशक चिन्हों का प्रयोग करके। अब देखिए समानता सूचक, तो समानता सूचक का मतलब क्या होता है, तो समानता का मतलब है, ये शब्द वैसे गणित में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे अब मान के चलिए रात्रि है, तो रात्रि को और क्या कहते हैं, निशा, तो दोनों में समानता हो गई। अब जैसे दिवस, तो दिवस को क्या कहते हैं, दिन। तो अब इसके बाद है कोष्ठक, तो कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक के, अब देखिए कोष्ठक का मतलब क्या होता है, कोष्ठक वाक्य के मध्य में आता है, इसमें मुख्य बात होती है। तो क्या मुख्य बात होती है, हमने लिखा शुक्ल, तो शुक्ल को क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हमने किस में बंद कर दिया, इसमें सॉरी कोष्टक में बंद कर दिया। अब बात करते हैं विस्मय सूचक, तो विस्मय सूचक का चिन्ह होता है एक एक पूरा डंडा खींचा और नीचे बिंदी, ये विस्मय सूचक का चिन्ह है। तो देखिए किस किस में प्रयोग होता है ये, तो देखिए जब कोई बात आश्चर्य की हो, आश्चर्य की, या संबोधन करना हो, संकेत, जैसे शुभकामना देनी हो, तथा मन की खुशी व्यक्त करनी हो, तो इन चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे आह कितना सुंदर मौसम है, जैसे वाह हम मैच जीत गए, श्याम अब तुम पढ़ो, तो ये क्या दे रहे हैं, निर्देश, वाह क्या सुंदर दृश्य है। अब देखिए ये सब विस्मय सूचक चिन्ह लगे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सब विस्मय सूचक चिन्ह हैं। अब बात करते हैं लाघव चिन्ह की, तो लाघव चिन्ह क्या होता है, तो देखिए लाघव चिन्ह, वैसे हम इसको एक और बार आप देख चुके हैं, जो संक्षिप्त करने वाले जैसे चिन्ह हैं, तो इसी तरह से एक लाघव चिन्ह होता है। जैसे किसी बात को संक्षिप्त में लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालय में हमने ये इस चिन्ह का प्रयोग किया है।
इस तरह से ये। अब देखिए, एक हमने ये लिखा है पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज। तो हमने एक एक वर्ण को लिख करके और उसमें इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि आपके कुछ समझ में ज़रूर आए होंगे ये चिन्ह। और अगली वीडियो में, यानी अगले जब हम अध्याय को लेके आएंगे, तो इनके ऑब्जेक्टिव ज़रूर कराएंगे। थैंक यू। आप